दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन में फ्रीजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी अनयूज्ड ऐप हैं उनको आप जो है फ्रीजर में डाल के उनको स्टॉप कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा भी बचेगा, बैटरी भी बचेगी, सारा कुछ इससे फ़ायदा ही होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है कि अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको जो है पहले से ही फ्रीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको उसमें एक ऐप प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो उसमें आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्रीजर ऐप। जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर ऐप फ्रीजर नाम का एक ऐप मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। अप्रॉक्स 10 MB के अंदर ही ये ऐप है, जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद इस पर जो है सारी जो चीज़ें हैं उसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो है ये ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, जो भी ऐप आप जो है इसमें बंद करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो ऐप है काफ़ी सारे बग्स लेकर आता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि थर्ड पार्टी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स हैं, इनकी जो रेटिंग है अगर 4 स्टार+ है तो आप इससे डाउनलोड कर लीजिए, अगर 4 स्टार के नीचे है तो उसे आप डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो है बग्स हो सकते हैं, आपके फ़ोन को भी ख़राब कर सकते हैं।